So good morning students, a very important topic for those who want to make their career in KVS, and now this particular session will be very fruitful for you. Reason is only one, students, that all of you want to be a successful pedagogue especially, and for those this session is going to be very important. So my team is ready? Yes. Are you comfortable? Yes. Okay. So Mr. Manjeet, you are from Karnal, isn't it? Yes, sir. So we have a girl, she is from Sirsa, okay. We have Jyoti ji, she is from Chhattisgarh, Bhilai. We have Mr. Anuj. And now we are going to ask you certain questions. Yes, sir. Let us see that this mock session would be fruitful for all of us. Okay? So Mr. Manjeet, first thing which I want to ask you, you want to be a successful pedagogue, okay? Yes, sir. And you want to go in KVS. Yes, sir. Do you know the objectives of KVS? What are the main objectives? Yes, sir. Please elaborate. सर सबसे पहले बताना चाहूंगा सर मैं सर ये स्टेब्लिश क्यों किया गया है इनका काम क्या है ओके बताइए जैसे हम देख सर जैसे हम जानते हैं कि प्राइवेट एंटिटी के जो हैं लोग हैं या जो सेंटर में जो जॉब करते हैं जो उनके जो बच्चे होते हैं जब उनका जब ट्रांसफर होता है जो ट्रांसफर होते हैं पर्सन उनके जब उनका ट्रांसफर होता है तो जो बच्चे होते हैं उनकी प्राइवेट डिस्टर्ब ना हो तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो केवीएस एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है सेंट्रल स्कूल्स के लिए ताकि जो उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो उसके लिए सर इसको बनाया गया है बिल्कुल दूसरा वो कैटर द एजुकेशनल नीड्स ऑफ ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज बाय प्रोवाइडिंग कॉमन एजुकेशन प्रोग्राम और सर दूसरी बात सर बताना चाहूंगा सर मैं जैसे हम देखते हैं सर इंटीग्रिटी की भावना सर इंडियननेस की भावना सर बच्चों के अंदर आए तो उसके लिए सर केवीएस करना बिल्कुल इंडियननेस की भावना और सर एक बात कहना चाहूंगा सर मैं सर जब भी सर कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे ज्यादा केवीएस को ही चुना जाता है Very nice, really. It means you are having good knowledge. Okay, so I'd ask my team also to ask you certain questions. Yes, yes please have questions. What qualities you have to be a good teacher? To be a good teacher. Sir, being a sir, I have some qualities. Sir, I am dedicated. Sir, I am dedicated and determined person. And sir, I am competitive and I love challenges. Okay. Yes. Yes, so these are the qualities necessary also as a teacher, don't you think so? No sir, I have some qualities also. Like? Like sir, sir I am able to understand the cycle of students. Okay. Yes sir. But while answering you are moving like this, I don't think this is good thing for interview. Yes. You should not shake your body at all. Body nahi hilni chahiye aapki interview ke duran. Ye kami aapki. Aap hilenge nahi. Ye baat aap dhyan rakhna. Chaliye bataiye next qualities. आपके अंदर और क्या क्वालिटीज है ओके सर लाइक अ टीचर सर सर लाइक अ टीचर सर सर आर यू सम क्वालिटीज लाइक जैसे सर एनसीसी पर बात करते हैं सर एनसीसी सर मैंने किया है सर वेरी गुड ये तो अच्छी बात है और बात करते हैं सर आर्ट एंड क्राफ्ट जैसे सर पेंटिंग ओके सर मैं पेंटिंग सर मैं पार्टिसिपेट किया था सर वेरी गुड उसके बाद सर सर मैं सर बात अकेडमी बात करता हूँ सर अगर मैं आप जब बोलते हैं तो आप थोड़ा सा स्टैमर करते हैं आप जानते हैं क्यों स्टैमर करते हैं आप I don't know. There is a reason. Actually, क्या है? आप अपनी बात को थोड़ा सा स्पीड अप बताना चाहते हैं उसकी वजह से आप स्टैमर करते हैं अगर आप अपने पेस को थोड़ा सा स्लो कर लोगे तो नॉलेज तो तुम में है ही वो तो हमने नोटिस कर लिया क्योंकि आपने रिटन एग्जाम इतने अच्छे मार्क्स गेन किए हैं अभी भी आप बता रहे हैं वो चीज़ शो कर रही है चाहे वो केवीएस के ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो केवीएस के ऊपर एस्टेब्लिश हुआ ये सब बातें आपको मालूम है बहुत अच्छे से बस इस बात का पेस थोड़ा सा बताने का पेस स्लो रखो शायद आप ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू दे पाओगे चलिए मिस्टर मंजीत मुझे ये बताइए कि हमारे पास बहुत कैंडिडेट्स आए हैं यहाँ पर हम इसी मंजीत को क्यों सिलेक्ट करें सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू दैट यू आर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू फुलफिल माय ड्रीम्स राइट सर आई एम डिटरमाइंड एंड डेडिकेटेड पर्सन ओके एंड सर आई हैव द क्वालिटी ऑफ अ टीचर ओके और सर सर प्लीज गिव मी वन चांस टू शो माय स्ट्रेंथ डेफिनेटली वी विल गिव यू चांस डोंट वरी एंड सर It's discipline, sir. It discipline life, some motivate to me a lot. Okay. Yes. More questions, please. Jyoti and Sarla, your side, please. What are your hobbies? My hobbies are singing, teaching, and reading. Okay. You are a singer, isn't it? So, which song do you like to sing? Sir, एक सर गजल है सर मैं बोलना चाहूंगा जरूर बताइए मगर अपनी बॉडी को शेक मत करिए आप जब इंटरव्यू में बैठे हैं तो आपकी बॉडी स्टिफ रहनी चाहिए बिल्कुल नॉर्मल अब बताइए ओके सर एक लड़की होती है वो ओके सर वो बता रही है ओके वो ये गजल गा रही है जी ओके मेरे बात जिंदगी को मेरे बात जिंदगी को
यू ना बेकरार करना, मैं पलट के आऊंगी फिर, मैं पलट के आऊंगी फिर, मैं पलट के आऊंगी फिर, मेरा इंतजार करना, मेरे बाद जिंदगी खो, मेरे बाद जिंदगी खो, यू ना बेकरार करना। मुझे भूलने की खातिर ना दिल किसी से लगाना, मुझे भूलने की खातिर ना दिल किसी से लगाना, मैं ना जी सकूंगी तुझे बिन, मैं ना जी सकूंगी तुझे बिन, मेरा ऐतबार करना, मेरे बाद जिंदगी खो, मेरे बाद जिंदगी खो, यू ना बेकरार करना। वेरी नाइस, राइट। आपको नहीं लगता आप इतना अच्छा गाते हो तो आप टीचिंग में क्यों आना चाहते हो, आप सिंगर क्यों नहीं बनना चाहते? ये कह रहे हैं कि आप सिंगर क्यों नहीं बनना चाहते? सर मुझे नहीं लगता सर मैं कि सर कितना अच्छा मैं Okay. हम कह रहे हैं आपको कि आपको सिंगर बनना चाहिए, तो क्या लगता है कि आप सिंगिंग में नहीं जाना चाहते? नहीं सर। अब तो KBS ही है सर, आई लव टीचिंग सर। ओके, तो बच्चों के साथ भी आप ये गाएंगे या बच्चों को कुछ सिखाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर सर जो मेरे पास सर एबिलिटी है सर, मैं उसको चाहूंगा सर बच्चों को मैं ट्रांसफर करूँ, और सर मैंने किया है सर, मैं सर ड्यूरिंग माई टीचिंग एक्सपीरियंस सर आई हैव टोल्ड सर बच्चों को मैं सिखाया है। ओके, वेरी गुड सर। मैं सर अपने ऐसे क्वालिटी को सर थैंक्स सर कि सर आपने मेरी क्वालिटी को पहचाना, तो सर मैं चाहूँगा सर मैं चाहता हूँ सर जो मेरे क्वालिटी है सिंगिंग वाले सर मैं उनको बच्चों में भी दे पाऊँ। ओके, राइट। और सर केवी सर से स्ट्रगल योगदान मेरा रहेगा उसके। ओके, अच्छा मान लीजिए हम आपको जॉब कहीं भी दे दें जहाँ पर लोगों को हिंदी ना आए, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करें? सर मैनेज कर लूँगा सर, क्योंकि सर मैं इंग्लिश पर काम कर रहा हूँ सर। ओके, पर आपने जितने भी आंसरिंग दी है हमसे हिंदी में बहुत बातें करी है, तो हमें लगा कि आप हिंदी में ज़्यादा कॉम्फर्टेबल हैं कि इंग्लिश में भी आप कन्वीनियंट बोल सकते हैं। यस सर। तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए इंग्लिश में जरा हमें। गुड मॉर्निंग सर। ओके, माय नेम इज मंजीत, आई एम फ्रॉम करनाल, माय नेम इज मिस विनोद फर्ड, एंड आई एम वेरी मच सिमिलर टू माय नेम बिकॉज एज आई एम जोवियल एंड फिलोसॉफिक पर्सनैलिटी, एंड एज आई एम जोवियल आई डोंट लाइक एनीबडी टू रिमेन सैड इन माय कंट्री। राइट कंपनी। ओके, I belong to Karnal and which is famous for famous astronaut Kalpana Chawla. And sir, I have done my bachelor degree in mass communication from Christian University with 72% marks and diploma education from Haryana Board School Education with 82% marks. Good. And sir, I have got gold medal certificate for achieving 5th position in KUK. Very. And sir, my hobbies are that singing, teaching and reading. Sir, I like meeting positive attitude and successful personalities and learning new things from them. Yes. So my aim is to be a successful pedagogue, and my friends call me a positive personality because of my adaptable nature. Right. And sir, my strengths are that I am an optimistic and punctual person. I am a deep sweet person also. I don't like to try hog all the credit. Okay. And sir, I am competitive and I love challenges. Sir. Very nice. Really appreciate. What do you think? You found a change in him. Really, his confidence level is increased, and now he is able to speak up nicely. Yes. What do you think? क्या mock interview देने से benefit मिलता है? Yes sir, बिल्कुल sir. Right? आपका confidence level तभी gain होता है. Yes. आपकी जो भी weaknesses है वो निकल कर बाहर आती है. Teacher को भी पता लगती है. बिल्कुल. You also try. बिल्कुल. Yes. So I hope students, it's the right time to give him best wishes. Yes sir. Okay. So भाई करना boy, nice. आपको यहाँ के बच्चे कैसे लगे students? Sir बहुत बढ़िया sir. Okay. So, आप होल डे यहाँ पर पढ़ते हो तो आप टायर्ड नहीं होते? होते हैं लेकिन सर आपकी सकत बने होते सर। अरे वाह, सो नाइस। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखो, इस तरीके से मॉक देते रहो, डेफिनेटली वो डे दूर नहीं है तो बहुत अच्छा इंटरव्यू देने और ज्यादा लग जाओ। राइट, माई बेस्ट विशेस, डेफिनेटली बेस्ट। थैंक यू सर।